फ्रिक्वेंसी को अपने डेटा के साथ मैच करेगा। फ्रिक्वेंसी को मुख्तलिफ, यानी जो आपकी भी फ्रिक्वेंसी वेव बनती है ना, हर बंदी की वैसे फ्रिक्वेंसी अलग होती है, हम उसको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम उनको ना सेम उसके ऊपर लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। तो हेलो जो है, हेलो की जो फ्रिक्वेंसी है, अब वो किसी की पिच ज्यादा किसी की पिच कम है ना, फ्रिक्वेंसी जो मैं वर्ड कह रहा हूँ, तो पिच का वो होता है, आपकी पिच यानी बारीक हो कम हो तो वो लाइक लेडीज की आवाज बनती है, और पिच भारी हो तो वो एक यानी मेल की आवाज यानी बढ़ती जाती है। तो यानी आपकी पिच वो होती है कि कितनी फ्रिक्वेंसी से आप वो पिच कर रहा है। अच्छा, लिनक्स वगैरह आप लोगों ने शायद बायोलॉजी में पढ़ा होगा। अच्छा, फिर क्या है कि आप क्या करते हैं उन सिग्नल को ना लाइक नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि यार लड़का बोले लड़की बोले, पिच वाला फैक्टर को ना कम से कम रिड्यूस करो और फिर उसको यानी वर्ड पे लाओ। तो अब हेलो आप किसी भी तरीके से बोलो, आपकी पिच भारी हो, हल्की हो, लाइट हो, जो भी हो, तो वो उसको कोशिश करेगा कि नॉर्मलाइज करके सेम सिग्नल पे लाए और हेलो की फ्रिक्वेंसी सबकी एक जैसी हो। क्लियर है जी अब्दुल्ला? ओके ग्रेट। तो इसकी प्री प्रोसेसिंग के बहुत सारे पार्ट हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे कि यार ये इस तरह की कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे हैंडल करेंगे। ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस कार अगर आप बना रहे हैं तो आपका डेटा क्या होगा भाई? आपका डेटा होगा कार की इमेजेस या मुख्तलिफ जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी इमेजेस। आपने इमेजेस ले ली, ठीक है, इमेजेस लेने के बाद जी 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 आपकी स्क्रीन पे ग्रे बॉक्स जो हो रहा है काइंडली से ठीक है मैंने हटा दिया। ठीक है, अच्छा तो आप क्या करते हैं, आप डेटा कलेक्ट करेंगे। अभी ये सिंपल ये बता रहा है, जैसे तस्वीरें मिलियंस ऑफ तस्वीरें, बिलियंस ऑफ तस्वीरें भी हो सकती हैं। तो उसने क्या किया दोस्तों, उसने ये किया है, हमने डेटा कलेक्ट किया और उस तस्वीर में जहां जहां कार्स नजर आ रही है, दूसरी व्हीकल्स नजर आ रही है, आपने उसको क्या कर दिया, उसके गेट चकोर डब्बा बना दिया कि यार इस तस्वीर में ये आपकी जो तस्वीर में पिक्चर्स हैं ये कार के हैं, ये दूसरी गाड़ी के। जब आपने ये मॉडल बता दिया कि भाई ये तस्वीर के अंदर गाड़ी होती है, तो अब क्या हुआ, आपका जो मॉडल है, देखें आपने मॉडल को ट्रेन किया, ट्रेन होने के बाद सेकंड स्टेप के अंदर आपने अब अलग से एक तस्वीर दी है जिसमें छोटी सी कार नजर आ रही है, उसके गिर्द इसने चकोर डब्बा बना दिया। दोस्तों आपने एक जीप की कार दी है पहाड़ों में और मुख्तलिफ यानी सहरा में, तो आप देखें मुख्तलिफ एनवायरमेंट के अंदर आप गाड़ियों की मुख्तलिफ तस्वीरें दे रहे हैं मॉडल ट्रेन करने के बाद। आपका मॉडल पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा? Yes. तो ये आपके मॉडल आपने ट्रेन किया और वो कार को पहचान लेता है कि किस पोजीशन पे कार आपकी मौजूद है या कार आपकी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास होती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। तीसरे लेवल पे हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉय करने के बाद हम उसको मेंटेन या अपडेट करते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आ गई जो मॉडल नहीं पहचानता, वो बोलता है नहीं ये कार नहीं है, तो आपने देखा इसने तो गलत डिटेक्ट किया है। तो जो गलत इसने डिटेक्ट किया उस तस्वीर को आपने दोबारा लेबल करके उसका चकोर डब्बा बना के उसको मॉडल को ट्रेन कर दिया और फिर दोबारा उसको आपने ट्रेन करने के बाद दोबारा डिप्लॉय कर दिया। तो ये आपका एक आइटरेटिव प्रोसेस है, जिस तरह इंसान अपनी जिंदगी में चीजें सीखता रहता है, इसी तरह मशीन को भी मॉडल को हम अपडेट करते रहते हैं। ये जो अपडेशन है वीक में, मंथ में, डे में, डेली में, ये आर्ट्स बेस के ऊपर आप एक स्केड्यूल लगा दें, उसकी बेस के ऊपर आपका मॉडल अपडेट होता रहेगा। ऑप्टिमाइजेशन फनल, इसमें क्या होता है, यार आप ये सोचते हैं कि हम एक प्रोडक्ट फनल बना रहे हैं, आपकी वेबसाइट है, होम पेज है, पहला देखें विजिट पेज है, उसमें चार कप की तस्वीर है, फिर क्या होता है वो पिंक वाले कप उसको पसंद आया, उसमें क्लिक किया, पेज प्रोडक्ट पे आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, हाँ यार मुझे चीज समझ आए, उसने उसको क्लिक किया, उसने कहा ठीक है मैं उसको परचेस कर लेता हूँ, और उसके बाद वो चेकआउट कर देता है। तो चेकआउट करता है तो उसके पैसे वगैरह जो होते हैं वो उसके कार्ड से डिडक्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस समझ आ रहा है फनल जी दोस्तों? यस सर, फनल समझ आ गया आपको चीज खरीदने। अच्छा, अब आपने जर्नी ये सोची हुई है, हमने जो वेबसाइट बनाई है सबसे पहले होम पेज पे आएगा कस्टमर, फिर उसके बाद वो कोई प्रोडक्ट पसंद करेगा, फिर उसके बाद वो एड टू कार्ट करेगा, उसके बाद वो पैसे देगा और चले जाएगा। लेकिन होता क्या है, आपको ये चीज समझ आए आपकी बेगम ने ये प्रोडक्ट वो किया, एड टू कार्ट वाला जो लिंक है ना वो आपको उठा के दे दिया कि भाई उसको पेमेंट कर दो, तो अब क्या हुआ, आप तो सोच रहे थे पहले पेज से आएगा लेकिन कस्टमर जो आपके पास आया अब कहां से आया दोस्तों, वो शिपिंग कार्ट से आ गया या प्रोडक्ट पेज से आ गया।
तो अब क्या हुआ, आप तो सोच रहे थे कि जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, जर्नी आप दूसरे स्टेप से स्टार्ट हुई, ठीक है। इसी तरह कोई डायरेक्टली एक टू कार्ड वगैरह पेमेंट वगैरह और मुख्तलिफ चीजें हो सकती है, इसे हम कहते हैं कस्टमर जर्नी। अभी जो कस्टमर जर्नी होती है ना, आप सोचते हैं कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन रियल डेटा हमें बताता है कि इस किस तरह हो रही है। इसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो आपके लॉग्स वगैरह होता है ना, जैसे यूबीएल की एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप कौन सी स्क्रीन पे जाके क्या करते हैं, किस वक्त में क्या काम किया, कौन सी ज्यादा स्क्रीन पे क्लिक हुआ, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, इसे हम कहते हैं लॉग्स डेटा। लॉग्स डेटा को विजुअलाइज करवाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डिस्को, ठीक है, ओपन सोर्स नहीं है, पैसों वाला है, तो 30 दिन वैसे ट्रायल देता है, आप उसको ट्रायल कर वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, या मतलब ईमेल्स बना बना के फिर ट्रायल इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानियों की तरह। तो आप क्या है, वो सॉफ्टवेयर आपकी पूरी जर्नी डिस्प्ले करवा देता है। तो मैंने 2018 में उसको इस्तेमाल किया था, तो लाइक यूबीएल में जो भी जर्नी होती है, कस्टमर कहाँ पे आता है, क्या काम करता है, वो सारी जर्नी हम वहां पे डिस्प्ले करवा सकते थे। क्लियर है फनल होती है, तो फनल वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अच्छा शर्जील, आपका माइक आई थिंक खुला हुआ है। सर ये सॉफ्टवेयर का नाम आपने क्या बोला था, डिस्को, जो लॉग्स करता है रिकॉर्ड? जी सर, डिस्को डिस्प्ले करवाता है, विजुलाइज कराता है, एनिमेशन बना के आपको बकायदा पूरी एक जर्नी बता देता है, ठीक है। तो आपका पर्टिकुलर कोई इवेंट है, DISCO, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं भाई, मशीन लर्निंग चेंजिंग जॉब। भाई सेल्स की जॉब चेंज हो गई, पहले सेल्समैन भी मुख्य शॉप के ऊपर ना सेल्समैन जो होते हैं, अब हर सेल्समैन का एक्सपीरियंस अलग होता है। कोई सेल्समैन ऐसा होता है कि वो कोई भी चीज बेच देता है, ठीक है, और एक कोई यानी मुख्तलिफ यानी मीम्स वगैरह होते हैं कि वो एक बंदा कुछ भी लेने नहीं आता, लेकिन उसको वो छतरी भी बेच देता है, फिशिंग का यानी सामान भी बेच देता है, बेशुमार चीज उसको सेल कर देता है, ठीक है, उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ होता। तो एक बंदा वो है जो कि यानी चीजों को सेल करना जानता है, कस्टमर के बारे में जानता है, उसके हिसाब से उससे बातें करता है और उसको चीजें सेल कर देता है, ठीक है। अच्छा दूसरा सेल्समैन है बिल्कुल बिगनर है, और उसको अगर मैं सेल्स पे लगाता तो वो इस तरह चीजों को सेल्स नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि उसने इतने सारे कस्टमर्स को डील ही नहीं किया होता, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अब क्या हुआ, तो मेरी जो दुकान है या मेरी जो शॉप है वो एक सेल्समैन की वजह से बड़ी अच्छी चली। अक्सर आप भी देखते हैं कि आपकी गली में कोई दुकान है, आपके बाजार में कोई दुकान है, और उस दुकान में दो भाई हैं, यानी छोटा भाई जो उसका अखलाक बड़ा अच्छा है और बड़ा जो है वो बड़ा ही सख्त है, तो क्या होता है लोग उसी के अखलाक की बात कर रहे होते हैं, यार उस बंदे से वो होता है तो लोग सौदा लेते हैं, वो नहीं होता तो लोग आगे दूसरी दुकानों पे चले जाते हैं। अक्सर ये चीज आपने नोट की होगी, मैं भी पॉसिबल। तो ये जो सेल्समैन है ना, पहले इंसान था, तो मेरी दुकान मेरा बिजनेस सेल्समैन की वजह से चल रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये इस जॉब को ना बिल्कुल इसने चेंज कर दिया। अब आप देखें फेसबुक, अमेजोन, गूगल, ईबे, ठीक है, और भी हमारे अलीबाबा वगैरह, ये क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। आप दराज के ऊपर जाके अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि लाइक मुझे लैंड क्रूजर परचेज करनी है, मैं भी थोड़ी देर बाद फेसबुक मुझे लैंड क्रूजर की तस्वीरें दिखाना शुरू कर दे। तो ये चीज आपको समझ आ रही है, सेल्स का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया कि आपके डेटा फेसबुक के पास, गूगल के पास, अमेजोन के पास है, और आप जैसे बोलते हैं कि मुझे लैंड क्रूजर परचेज करनी है फला मॉडल की, 2022 मॉडल की, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं एक घंटे बाद या डेढ़ घंटे बाद गूगल फेसबुक मुझे लैंड क्रूजर 2022 का जो मॉडल है वो दिखाना शुरू कर दे रिकमेंडेशन इंजन। तो आप ये देखें कि आप टारगेटेड मार्केटिंग भी करने लग गए। मैन्युफैक्चरिंग लाइन मैनेजर, पहले जो मैन्युफैक्चर के अंदर फॉल्ट है, फॉल्ट नहीं है, कहीं स्पॉट आया है, ये चीज ओके है नहीं, जैसे कि मैन्युफैक्चर वाली जो एप्लीकेशन पीछे हमने देखी थी मोबाइल की, तो ये वाला काम भी ऑटोमेट हो गया दोस्तों, क्या मशीन खुद डिसाइड करती है सही या गलत है, उसको सॉर्ट कर देती है। तीसरी जो ये रिक्रूटिंग, अच्छा रिक्रूटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बड़ा मुश्किल है, आप टेक्स लिखते हैं, सीवी मुख्तलिफ ब्लॉक फॉर्मेट में बनाते हैं, तो एचआर के लिए सबसे मुश्किल तरीन काम क्या होता है,
आपको लाइक 1200 सीवी आई है, तो उनमें से रेलिवेंट जो आपके लोग हैं उनकी सीवी निकालना। तो सीवी पहले आप खुद सॉर्ट आउट करते थे, चीजें करते थे, अब एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हम सीवी को रीड करते हैं पीडीएफ या वर्ड के फॉर्म में, तो उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास, मैं इसका पूरा मॉडल यानी आपको बता सकता हूँ कैसे काम होता है, LSI वाली कंपैरिजन वगैरह मुख्तलिफ चीजें हम लगाते हैं, और उसके बाद वो मॉडल जो है हमें प्रेडिक्ट करके बता देता है कि आपसे रेलिवेंट जो चीज है ना, जो आपको चीजें चाहिए वो ये सीवी है, ठीक है। तो वो सीवीज आपको सॉर्ट आउट करके दे देगा, यानी 1200 में से उसने मुझे 50 सीवी निकाल के दे दी। उस पर डिसीजन लेना आसान था या 1200 पे डिसीजन लेना आसान था? तो वही बात है, जब सॉर्ट आउट हो जाती है तो जितना डेटा कम होगा उतना डिसीजन लेना आसान होगा, सही है। बहुत सारी चीजों में कि भाई आपके पास चार च्वाइस है किसी भी चीज पे, तो आप चार च्वाइस आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, मैं उसको दो च्वाइस कर दूं तो आप डिसीजन लेना आसान होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज ही आपके पास रिक्रूटिंग में होता है। मार्केटिंग सवाल है जी जी सर, इस तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ये क्या वर्ड रिकॉग्निशन होती है या किस तरीके से ये मैचिंग करते हैं? लेट सपोज के मैंने एक ऐड दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर का और किसी ने जो है कहा कि मैं प्रोग्रामर हूँ, तो मेरे पास जो ये फिल्टरिंग होगी तो इसमें क्या वो प्रोग्रामर की सीवी को भी फिल्टर कर सकेगा, या जिनकी सीवी के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्ड स्पेसिफिक मेंशन होगा सिर्फ उनको वो फिल्टर करके लाएगा? यार मैं आपको एक मिनट मुझे दे, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये चला भी छोड़ दें। ये भाई सॉफ्टवेयर हो इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर का वर्ड आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, आपके लिए ये कुछ चीज है ना, वर्डिंग कंपैरिजन देखता है ना, वर्डिंग के हिसाब से नहीं, ये देखता है इंटेंट के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, और उसके हिसाब से ये आपको सीवी सॉर्ट आउट करता है। उसके लिए हमारे पास LSI, हमारे पास एक मॉडल है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम ये बनाना भी सीखे, मैंने यानी एग्जाम सिस्टम बनाया था, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मैं स्क्रीन स्टॉप कर लूँ, पहले मैं फाइंड कर लूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि आपको पता हो कि यार क्या क्या काम हम इसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मुझे डेटा फाइंड फास्ट, हाँ यहाँ पे मेरे पास कोड आ रहा है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ। ये हाइब्रिड अप्रोच पे हमने बनाया है, ठीक है। कंपैरिजन क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके नोट्स लिखे हुए हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप एग्जाम देते हैं, टीचर ही उसके यानी नंबर चेक करके आपको नंबर असाइन कर, अब हम चाह रहे मशीन चेक करें कंपैरेटिवली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, दो चीजों के दरमियान कंपेयर डिफाइन करें। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है और उसके नोट्स है, ठीक है, यानी एक आंसर है और एक क्या है उसके यानी कहां से वो आंसर बना है, ये हमारे पास कुछ डेटा है, उसको हम टोकनाइज करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं यहाँ वो डिस्कस नहीं कर रहा क्या काम होगा कैसे होगा, एट द एंड रिजल्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि होता क्या है। देखें ये देखें दोस्तों, ये एक क्विज है, ठीक है, उस क्विज का उसने एक आंसर दिया होगा, ये आंसर उसने दिया है क्विज नंबर 1 का, इसने क्या किया मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में लिखा, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसने इसको स्कोर क्या दिया दोस्तों, 98% इसकी एक्यूरेसी आई है मैच हमारे आंसर के साथ, आंसर के साथ ही मैं किताब के साथ। तो मैंने एक किताब दी कि ये किताब है, इस किताब में से एक सवाल बनाया और उसने क्या किया, जो उसने जवाब लिखा है उस जवाब को उसने कंपेयर किया और मुझे बता दिया कि कितने परसेंट एक्यूरेसी, वर्डिंग अलग है, समरी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन आपको वो रिप्लाई करके दे दिए कि कितनी परसेंट एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो वो सिमिलैरिटी बताती है, सिमिलैरिटी बताने के बाद और भी बहुत सारे काम हम करते हैं, देखें क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4, और उन सब के ये स्कोर भी हमें देती जाती है, सिमिलैरिटी हर उसकी बताती है, क्वेश्चन 3 करता हूं उसके बारे में भी ये हमें बताती है, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्या, कोई भी वर्ड बार बार रिपीट आप कर दें,
यहाँ पे आ रही है, उसकी देखें क्या आ रही है। जैसे प्रोग्रामिंग का वर्ड है ना, प्रोग्रामिंग के बारे में, मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में पूछने, एक बंदे ने मल्टी प्रोग्रामिंग 100 बार लिख दिया, तो हमारे पुराने मॉडल का ना वो बोलते यार ये तो 100% मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में कह रहा है, 100 लाइन के अगेंस्ट में वो कहता कि एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, जबकि आप देखो हमारे इस एल्गोरिथम ने कहा कि नहीं भाई ये सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो LSI हमारे पास एक मॉडल है, उसके जरिए हम ये काम करते हैं, ये NLP बेस है। खैर ये आप लोग भी बनाएंगे जब आप रिसर्च वगैरह करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा दोस्तों, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह देख रहे होते हैं, तो ये आपके पास है कि A/B टेस्टिंग वगैरह हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिमाइज वेबसाइट, हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं। A/B टेस्टिंग होती है, A/B टेस्टिंग क्या है, पहली वाली जो स्क्रीन थी ना ये प्रोडक्ट की, तो हम इस प्रोडक्ट की स्क्रीन को, ये जो बटन है एड टू कार्ड, ये सबसे टॉप पे लिया, एक स्क्रीन पे टॉप पे बनाया, एक स्क्रीन के ऊपर मैंने लाइक लेफ्ट साइड पे बनाया। आपने एक चीज नोट की, फेसबुक अक्सर क्या करता है, जब भी कोई नया डिजाइन लॉन्च करता है कुछ यूजर्स को दिखाता है कोई नया फीचर, ये चीज नोट की है कि आपके पास कोई नया फीचर आया आपके दोस्त के पास नहीं आ रहा हो, एनीवन? यस सर, जी सर, हुआ था ये बिल्कुल। इसे हम कहते हैं A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग क्या होती है, मैं जो नया फीचर मुतारिफ करवाता हूँ ना उसके मुख्तलिफ डिजाइन, मुख्तलिफ यानी जो हमारे सेगमेंट कस्टमर्स है ना उनको दिखाता हूँ। अच्छा कुछ लोग उसको ना फौरन इस्तेमाल करते हैं, लाइक करते हैं, तो जितने लोग उसको लाइक करते हैं मुझे पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट अगर मैं लाता हूँ एड टू कार्ट का बटन लेफ्ट साइड की जगह राइट बॉटम के ऊपर हो तो सबसे बेस्ट है, और वो लोग उसके ऊपर फौरन क्लिक करते हैं, फौरन विजुअलाइज होता है। तो फिर मैं उन दो स्क्रीन में से कौन सी स्क्रीन रखूंगा, राइट बॉटम वाली। तो फेसबुक भी यही करता है कि A/B टेस्टिंग करता है, 3 या 4 डिजाइन बनाता है, मुख्तलिफ कस्टमर्स को दिखाता है, फिर जिसका जो फीडबैक होता है उसकी बेस पे वो कर लेता है। अच्छा ये कितने हो गए, एक मिनट, ये कौन सी हम स्लाइड नंबर पे हैं, स्लाइड नंबर 76, काफी बाकी यानी नेक्स्ट क्लास पे जाइए। अच्छा इसको फिलहाल थ्योरी को हम याद रखते हैं, अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक घंटा आज हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा यानी वो करेंगे ताकि हम कोड भी करते रहे और ये जो स्लाइड्स हैं ये भी आप कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, जी सर, काइंडली वो जो वेब वाली आपने एग्जांपल दी थी वो आप एक दफा फिर समझा दीजिए, क्योंकि मेरा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था उस वक्त। सिंपल एग्जांपल दी है कि आप एक डिजाइन एक स्क्रीन के ना एक प्रोडक्ट के जिसे आप वो चीज सेल कर रहे कब, तो उसके 2 या 3 डिजाइन बना लें जिसे हम कहते हैं A/B टेस्टिंग। A/B का मतलब है 2, 3, 4, 5, 10 डिजाइन आपने A और B दिया हुआ, आपने उसको टेस्ट किया 2 यूजर को देखे, आपके 10 यूजर ने कहा A अच्छा है और 1 यूजर ने कहा B अच्छा है, तो मुझे बताओ कौन सा डिजाइन रखना चाहिए, 10 वाला 1 वाला? जो ज्यादा यूजर ने कहा, जो ज्यादा यूजर ने। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं A/B टेस्टिंग। तो ये अभी टेस्टिंग यानी हम फनल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा स्लाइड नंबर अपने पास लिख लेगा 76 ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना। कोई भी एक बंदा लिख लें, सैरिश आप लिख लें या जो भी बंदा, ये नोट कर लें ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में। जी सर, मैंने नोट कर लिया। ओके चले अब हम आगे चलते, परफेक्ट हो गया, थैंक यू गाइज। अच्छा अब हम थोड़ा सा ना प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले तो टर्मिनल को बंद करता हूँ। अच्छा इसको भी बंद कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। PIIC सर, जी जी सर, क्विज का बता दें, क्विज कब आ रहा है हमारा? पहले AI फॉर एवरीवन आपका कंप्लीट हो जाए, तो जैसे AI फॉर एवरीवन कंप्लीट होगा तो इसका पहला क्विज होगा। इट्स 11:01 AM। ठीक है, तो अभी तक नहीं है तो इसलिए अभी कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं है, 2 वीक पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। क्लास, अच्छा यहाँ हम कर लेते हैं क्लास 2। यहाँ पे हम आज सीखेंगे कम से कम, वेरिएबल तो ज्यादा हो जाएंगे, ऑपरेटर। ठीक है, और कौन के टी आलो पर ये फ्लैग तो फैन करना है जी। क्या चीज, क्या सेंड कर, पहले पढ़ रहे थे हम स्लाइड। अच्छा आपको सेंड कर दूं, ये तो आपको ये जो फ्लैग बनी हुई थी, प्रेजेंटेशन जो बनी हुई थी वो तो आप लोग को प्रोवाइड की हुई है ना या नहीं है?
मुझे बताएं ये आप लोग के पास अवेलेबल है या नहीं? आपके पास आ गई होगी तो किसी ने भी शेयर कर दी। अच्छा आज की क्लास में हम ऑपरेटर, थैंक यू फॉर आ गई, हम कुछ चीजें पढ़ेंगे ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा फिर हमारे पास है ऑपरेटर्स हमें देखने हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या होता है। वेरिएबल्स भी हम देख लेते हैं। तो इसी के अंदर मैं एक और चीज लिख देता हूं, ऑपरेटर्स वेरिएबल्स कॉन्केटिनेशन ठीक है। क्लास टू में आज पाइथन क्लास टू, वैसे वो क्लास थ्री हो रही है। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम चलाते हैं जुपिटर। तो राइट के लिए टर्मिनल ये सारे काम आपको आते हैं भाई। यहाँ पे आप लिखते हैं जुपिटर नोटबुक एंटर। अच्छा आपको अभी कोड करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो हाथों आप कोड करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपकी जो कंसंट्रेशन है ना वो ना लिखने पे कॉपी करने पे जाती है, लर्निंग पे नहीं जाती। तो आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जुपिटर नोटबुक, जो भी मैं कोड करूँ आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैम आप लोगों का फोकस होना चाहिए जो कोड मैं करवाऊँ उसको आप समझें, उसमें एक पॉइंट डॉट कॉलन कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आ रही उसी वक्त पॉइंट आउट कर दें कि सर ये पॉइंट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है, ताकि हम उसको उसी वक्त क्लियर करने की कोशिश करें ठीक है दोस्तों। तो मेन फोकस अब आपका लर्निंग पे होना चाहिए। जी बोले सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोड करते हैं अभी आपके साथ तो नहीं करेंगे, इसको लर्न करेंगे लेकिन बाद में, तो हमें फिर अपनी साथ साथ गिटहब प्रोफाइल पे उस एवरी फाइल को अपलोड करना चाहिए, करना है? जी फरिया 100% करना चाहिए, उससे फायदा ये होगा आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। और आप 10 साल बाद अगर किसी को कहते हैं कि मैंने 2022 के अंदर पाइथन सीखी थी तो उसका प्रूफ आप दे सकते हो, देखो मैंने ये काम किया हुआ है ठीक है। जी ठीक है इंशाल्लाह सर, थैंक यू। उसके साथ साथ कोडिंग फाइल बनाएंगे ना, अभी नहीं क्लास में, नहीं क्लास के बाद, तो जो फाइल हमारे पास पाइथन की बन जाएगी उसको साथ साथ अपनी गिटहब प्रोफाइल बना के उस पर अपलोड कर दीजिए, तो वो डेट एंड टाइम के साथ अपलोड होती जाएगी। तो सर कह रहे हैं कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल प्रिंट हो जाएगी और ये एक प्रूफ होगा, आप किसी को भी कह सकते हैं कि आपने इस सन में इतनी कोडिंग सीखी और ये इस फाइल पे काम किया। ओके जी। अच्छा जी जैसे देखिए हमने ये बनाई हुई है रेपो, ENGG कासिम आप लिखते हैं रेपो आ जाती है। आप लोगों के लिए हमने कौन सी रेपो बनाई थी लास्ट टाइम, बनाई थी ना ये बनाई हुई। अब आपका जितना भी काम है ना, अभी जैसे मैं जितना भी काम करूंगा वो सारा यहाँ आ जाएगा। आपकी स्लाइड जो है वो यहाँ पे आ गई, देखें आपकी कॉस आउटलाइन जो यहाँ पे आ गई। अभी मैं जैसे ही देखें एक कमांड चलाता हूँ, बल्कि अभी मैं चलाऊंगा क्लास खत्म होने के बाद, यानी खत्म होने के बाद एंड के अंदर 5 मिनट पहले। तो ये सारा जो काम इस फोल्डर में रखा ना, जितनी फाइल है वो सारी की सारी वहां पे आ जाएंगी। अच्छा